अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ अरीफ शेख, कॉमर्स सब्जेक्ट लेक्चरर एंड बिजनेस यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड टीचर। तो बेटा, आज की क्लास में हम चैप्टर 3 का आगाज़ करने जा रहे हैं आपके सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक्स में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और अच्छा, अभी जो है सवाल है हमारे पास, ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, सवाल जो है आपके पेपर में यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, यानी सी आई यानी कि क्लास इंटरवल का कॉलम और एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, ये दो कॉलम आपके पास आएंगे। आपने जो काम करना है वो सी बी का कॉलम बनाना है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन के साथ ही मैंने काम कर लिया, लेकिन आपने दोबारा से इसको उतार के ये कॉलम बनाना होगा और सी बी का फिर बनाना होगा। अब क्लास बाउंड्री तो आपको मैं पहले भी बनाना सिखा चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में अगेन फिर सिखा देते हैं। तो सॉल्यूशन बेसिकली हमारा क्या है कि यहाँ से शुरू हो रहा है, ये आपने पूरा उतारना पड़ेगा। सवाल में आपके पास सी आई और एफ गिवन होगा, आप दोबारा सी आई और एफ का कॉलम बनाएंगे और सी बी का कॉलम उसके साथ बनाएंगे। अब सी बी के साथ क्या है कि सी बी में हमने पहले भी वीडियोस में देखा है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो थी, हम लोअर क्लास होती है उसमें 0.5 कम करते हैं और जो अपर क्लास होती है उसमें 0.5 बढ़ाते हैं। तो अगर हम 2 में से कम कर देंगे 0.5 तो कितना बचेगा, मेरा बच्चा 1.5, और अपर क्लास में अगर 0.5 बढ़ा देंगे तो वो हो जाएगा 3.5। इसी तरह से आप जब 4 में 0.5 कम करेंगे तो वो हो जाएगा 3.5। अगर आपको मसला हो रहा है, अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है। फिर 5 में आप 0.5 इंक्रीज कर देंगे। इस साइड के तमाम नंबर्स में आपने 0.5 कम करना है, जबकि इधर के तमाम में आपने 0.5 इंक्रीज करना है। फिर 6 में आप कम कर दें तो ये हो जाएगा 5.5, और 7 में आप बढ़ा दें तो 7.5। इसके बाद आप 8 में कम करें तो ये भी 7.5, और आप 9 में बढ़ा दें तो 9.5। इसके बाद आप 10 में कम कर दें तो हो जाएगा 9.5, और आप 11 में बढ़ा देंगे तो 11.5। ये काम हमने कर लिया। आप देख सकते हैं कि इसकी ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये साइड हमेशा बराबर होती है, जो कि इस बात का सबूत है कि आपने क्लास इंटरवल सही बना लिया। अब आपने बच्चा करना क्या है, आपने ये करना है कि आपने इस साइड पर फ्रीक्वेंसी को रखना है, यहां फ्रीक्वेंसी को रखेंगे, जबकि इस साइड पर आप रखेंगे क्लास बाउंड्रीज। अब आपने करना क्या है, सिंपली आप इस तरह फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर दें ग्राफ के ऊपर। ये ग्राफ मैंने पहले से ड्रॉ कर लिया था। अब आपने इक्वल डिस्टेंस से मार्क लगाने हैं यहाँ पर, जैसे कि हम अंदाजे के मुताबिक लगा लेते हैं, लेकिन जब आप कॉपी में करेंगे तो आप स्केल की मदद से 1 इंच के हिसाब से भी लगा सकते हैं, आधे इंच के हिसाब से भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितने नंबर्स हैं। तो अगर ये क्वेश्चन कर रहे हैं आप कॉपी में, तो 1 इंच के भी आप गैप से लगा लें तो आपके पेज पर आराम से बन जाएगा। एक पॉइंट हमने ये बना लिया, एक पॉइंट ये, और लास्ट पॉइंट ये पॉइंट आपका हो गया 0 का, यानी ओरिजिन पॉइंट। ये 1, ये 2, 3, 4, 5। अब आ जाए इस साइड पर क्लास बाउंड्री, जब हम ड्रॉ कर लेंगे तो क्लास बाउंड्री में कुछ भी नहीं करना, सिंपली जो नंबर्स हैं आपने इधर डाल देने। अब जैसे कि पहला नंबर आपके, अच्छा जो डिस्टेंस आपने इधर रखना है, कोशिश करें वही डिस्टेंस यहाँ रखें, ताकि अच्छी तरह से आपका ग्राफ बने। फिर आपने क्या करना है, 1.5 जो कि हमारा पहला नंबर है, दूसरा नंबर 1.5 के बाद 3.5 है जो कि हमारा दूसरा नंबर है। इसी तरह पहले मैं मार्क लगा लेता हूँ, ताकि फिर डायरेक्ट मैं यहाँ पे नंबर डाल सकूँ। 3.5 के बाद हमारे पास है 5.5। अब मैं अंदाजे डाल रहा हूँ तो ये मेरा डिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप प्रॉपर स्केल के हिसाब से डालिएगा। अगर इधर आधा इंच रखने तो इधर भी आधा इंच, इधर 1 इंच रखने तो इधर भी आपने 1 इंच रखना है, अगर इधर 2-2 इंच रखने तो इधर भी 2-2 इंच रखना है, लेकिन 2-2 इंच ना रखिएगा, क्योंकि फिर वो कॉपी में आपकी आने में मसला करेगा। फिर 7.5 के बाद हमारे पास है 9.5, उसके बाद हमारे पास है 11.5। यहाँ तक हमने काम कर लिया है। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, इसके बाद सिंपली हमें ये कह रहा है कि 2 से 3 के दरमियान
ठीक है, जिसको हमने क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट किया, तो डेढ़ से साढ़े तीन के दरमियान की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक है। तो हम करेंगे ये कि हम जो है रूलर को लेंगे, और रूलर को लेने के बाद इस 1.5 के सामने, और 1.5 से हम चलेंगे कहाँ तक, 1 तक। तो ये यहाँ पर ये पॉइंट हमारे पास आ गया, हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद 1.5 से साढ़े तीन के दरमियान एक है, तो सेम इसी तरह से हम साढ़े तीन को भी एक तक ड्रॉ कर लेंगे। जब हमने इसको ड्रॉ कर लिया तो हमने इसको ऐसे बंद कर देना है, इसमें बार की सूरत में ये बनेगा। तो पहली नंबर ऑफ क्लास के लिए मैंने उसका बार बना लिया, जिसको हम हिस्टोग्राम कह रहे हैं, तो ये पूरी डायग्राम हिस्टोग्राम कहलाएगी। इसी तरह साढ़े तीन से साढ़े पाँच के दरमियान तीन, तो तीन से साढ़े तीन से साढ़े पाँच, मैं साढ़े पाँच पर रख के पहले बना लेता हूँ, साढ़े पाँच से साढ़े तीन के दरमियान जो है वो तीन है। तो आपने प्रॉपर इसको स्केल से रख के करना है, जैसे कि मैं बोर्ड पे आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मार्क थोड़ा सा मुझसे ऊपर लग गया है। अब आपने इसको भी ऐसी ड्रॉ कर देना है, फिर आपने इसको जहाँ दूसरा डॉट लगाया था वहाँ पर भी ड्रॉ कर लेना है। ये भी हमारा बन चुका है। अच्छा, ये लाइनें बिल्कुल इस तरह मिली हुई होंगी आपके पास, जब आप प्रॉपर इसको कॉपी में स्केल से करेंगे। मेरे पास जगह इतनी बड़ी है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत रूलर मुझसे हिल रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम पेश आ रही है। फिर साढ़े पाँच से साढ़े सात के दरमियान फाइव, तो साढ़े सात से साढ़े पाँच के दरमियान फाइव है। अब फाइव हमारे पास कहाँ है, फाइव हमारे पास यहाँ है। तो फाइव पे रख के हमने साढ़े सात तक बना देना है। इसके बाद हमने साढ़े सात से साढ़े नौ के दरमियान चार तक बनाना है। तो चार से हम देखेंगे, ये हमने इसको यहाँ से यहाँ तक भी बना लिया। आप प्रॉपर स्केल से बनाएंगे, इससे ज़्यादा कॉपी में खूबसूरत बनेगा। फिर 9.5 से 11.5 के दरमियान दो तक, तो दो हमारा कहाँ है, तो फिर हमने इसको 11.5 पे रख के दो तक ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा हिस्टोग्राम था जो कि हमने इस वीडियो में मुकम्मल किया। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, और बहुत ही आसान टॉपिक है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। ये आपका हिस्टोग्राम रेडी है। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलीगॉन बनाना आपको सिखाएंगे, और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ इसमें आपको समझ नहीं आई हो, तो आप मुझसे मेरे प्रोफेशनल नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है और नाम मेरी स्क्रीन पर आ ही रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं इसी तरह अकाउंटिंग और कॉमर्स सब्जेक्ट्स रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वक्त में आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। मज़ीद ये कि आपको पता है कि मैं करियर काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूं, तो भी शायद आपके काम आ सकें। तो ये वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें।